वेलकम टू फसुमा किचन। आज हम लोग हरे मटर पत्ता गोभी का सब्जी बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी रहेगा, आप लोग भी बनाइए। तो दोस्तों, हमारे फसुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं पत्ता गोभी और हरे मटर की सब्जी किस तरीके से बनाई जाती है। अगर आप इस तरीके से इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी खाने में आपको। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है पत्ता गोभी, जिसे कि हमने बारीक कट करके लिया है। हरे मटर, मटर के हमने दाने निकाल लिए हैं छिलके। हरी मिर्च कटी हुई, एक बड़ा कांदा कटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, जीरा, राई, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक बड़ा टमाटर कटा हुआ। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख देंगे गैस पर और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे राई और जीरा। अच्छे से राई और जीरे को तड़कने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ कांदा, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर कटा हुआ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम इसमें डालेंगे हरे बटाने, जो कि हमने छील के लिए है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और पानी से धो के हमें बटाने डालने हैं। तो देखिए, हम अच्छे से धो लेंगे और इस तरीके से उठाकर डाल देते हैं हम। तो सारे बटाने हम डाल देंगे ऐसे ही। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी ले लेंगे, जो कि हमने कट करके ली है, और इसमें हम पानी डाल देंगे। पत्ता गोभी में हमने पानी डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से अब धो के डाल देते हैं कढ़ाई में। इस तरीके से हम सारी पत्ता गोभी डाल देते हैं कढ़ाई में। अब हमें पत्ता गोभी को मिक्स नहीं करना है, ऐसे ही इसमें मसाले डालना है। तो पहले हम डालते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसे ढककर रख देते हैं, हमें मिक्स नहीं करना है सब्जी और मसाले को, क्योंकि अच्छा सा टेस्ट आता है और अच्छी सी खुशबू आती है सब्जी में मसाले इस तरीके से डालने पर। तो हम इसे 5 मिनट पकने देंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर सब्जी को देख लेते हैं। तो देखिए, कितना अच्छा सा फ्लेवर कलर इसमें आ चुका है, बहुत ही अच्छी बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, नीचे जो बटाने हमने डाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। इसे हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे, पत्ता गोभी के साथ अच्छे से। देखिए, हमने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी और गरम मसाला, जिसका कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा एक सब्जी में। अब हम इसे और ढककर रख देते हैं कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पत्ता गोभी भी अच्छे से पक जाए और गरम मसाला और कस्तूरी मेथी का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे सब्जी में। तो देखिए, अब 4 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटा देंगे। देखिए, कस्तूरी मेथी कितना अच्छा सा फ्लेवर इसमें दे चुकी है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही हमारी सब्जी शानदार बनी है यहाँ पर, बढ़िया टेस्ट भी इसका है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है सब्जी में से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। देखिए, हमारी पत्ता गोभी और हरे मटर की सब्जी यहाँ पे बनके तैयार है, बहुत ही
जबरदस्त स्वाद है इसका, बहुत ही टेस्टी बनी है ये, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो आप इसे इस तरीके से अपने घर पर जरूर बनाइए, खाइए, और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को जरूर जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।